बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चिकन रोल बना रही हूँ। देखिए, ये 2 कट्टे छोटे साइज के हरी प्याज है, एक छोटी पत्ता गोभी है, देखिए 2 गाजर है, 2 बोले तो छोटे शिमला मिर्ची है, ये आधी किलो चिकन है, देखिए हड्डी के साथ ही छह इसको बोनलेस मैं बना लेती हूँ उबाल के। ये बोले तो 1 चमचा काली मिर्ची है, आधा चमचा व्हाइट पेपर है, नमक अपने हिसाब से डाल लेना, 1 चमचा अदरक लहसुन है, 1/4 चमचा हल्दी, 1 चमचा लाल मिर्ची, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। ये चिकन स्टॉक है, देखिए तो पट्टी है, देखिए कहाँ भी मिल जाती है आपको, कौन से भी मॉल में मिल जाती है, रेडीमेड पट्टी है ये। आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चिकन को धोली, देखिए मैं सिरका और नमक डाल के उसको 5 मिनट छोड़ दी थी मैं। उसके बाद मैं उसको धोली 2 से 3 पानी से धो के, मैं उसको छन्नी में डाल के रखी थी देखिए उसको। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ, देखिए अदरक लहसुन बताई ना आपको, वो हिसाब से डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अदरक लहसुन, मिर्ची, नमक, हल्दी, 4 चीज़ डाल रही हूँ देखिए इसके अंदर, वो 4 चीज़ डाल रही हूँ। और बोले तो ये है देखिए चिकन स्टॉक है, ये एक डालना बहुत ज़बरदस्त होते ये रोल, इसके अंदर डाले तो मैं एक डाल रही हूँ देखिए, इसमें 1 में 2 रहते देखिए, तो वो हिसाब से डाल रही हूँ मैं। वो तेल के चमचे से आधा डुआ तेल डाली देखिए, ज़्यादा नहीं डालना, रोल में से तेल निकल जाता तो मैं आधा आधा चमचा बोलते ना वो हिसाब से डाली देखिए मैं। तो अब इसको नीचे ऊपर मैं मिला रही हूँ देखिए। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ, इसमें पानी थोड़ा छोड़ता, चिकन का पानी छोड़ता ना। तो अब मैं इसको 2 सीटियाँ होने देती हूँ देखिए। उसके बाद धीमे चूल्हे पर रखती हूँ मैं, दूसरे चूल्हे पर रखी, 2 सीटियाँ हो गए धीमे पर रखी देखिए। तो अब मैं तरकारी में 1 चमचा तेल डाली देखिए, उसके बाद गाजर डाली, उसके बाद बंद गोभी डाली, उसके बाद शिमला मिर्ची डाली देखिए मैं, हरी प्याज बाद में डालती हूँ। ये देखिए डाल के मैं तेज चूल्हे पे से उसको नीचे ऊपर मिला रही हूँ देखिए। अत कच्ची रहना, पूरा नहीं पकाना ये तरकारी को, कच्ची कच्ची रहे ना तो ज़बरदस्त होता। उसके बाद वाइट पेपर, फिर बोले तो काली मिर्ची, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। तो 3 चीज़ डाल के उसको अच्छा मिलाई देखिए मैं। ये देखिए कैसा मिला रही हूँ मैं, तेज चूल्हे पे मिला रही हूँ देखिए। उसके बाद इसमें 1 चमचा मैं अजीनोमोटो डाली देखिए, चाय के चमचे से थोड़ा कम डाली, अजीनोमोटो डाले ना तो ज़बरदस्त होती तरकारी ये। तो मैं इसके बाद ये पानी छोड़ता देखिए इसके अंदर, फिर उसके बाद मैं हरी प्याज डाली इसको। तो मैं सिरका डाल रही हूँ देखिए, ये चमचे से 1 चमचा डाल रही हूँ मैं, थोड़ा कम रहे तो थोड़ा, 1-2 खतरों के हिसाब से डाली। उसके बाद सोया सॉस डाल रही हूँ देखिए, सोया सॉस और बोले तो सिरका डाली मैं इसके अंदर। उसके बाद इसको अच्छा मिला ही देखिए, 5 मिनट तो मिला ही देखिए मैं, सोया सॉस और बोले तो सिरका डाल के 1-2 मिनट मिला के निकाल देती हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा उसमें तरकारी अतकच्ची रहना देखिए, तो रोल जब खाते ना इतने ज़बरदस्त रहते देखिए ये हिसाब से। अब मैं इसको छन्नी में डाल के निकालती हूँ देखिए, तो पानी छोड़ता है इसके अंदर से अच्छा। तो ये देखिए छन्नी में डाल रही हूँ मैं इसको, 1-10 मिनट फैन के नीचे छोड़े तो पानी पूरा अच्छा होता देखिए। उसके बाद मैं मुट्ठी दे के निकालती हूँ, ऐसा छन्नी में डाल के छोड़ना देखिए। अगर अपन ऐसा कठोरे में वो निकाले ना तो पिच पिच होती तरकारी। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद 2 सीटियाँ होने दिए बाद 10 मिनट रखी थी देखिए, कुकर के अंदर पूरा सूख गया देखिए, भी पूरा अच्छा होगा, फिर ये अलग अलग होगा देखिए, पूरा अच्छा गल गया देखिए। देखिए चमचे से करे तो भी हड्डी से अलग हो जा रहा देखिए पूरा। तो अब मैं चिकन में से पूरे हड्डियाँ निकाल ली देखिए, देखिए पूरा अलग अलग इसको। अगर ज़्यादा सख्त रहा ना तो चॉपर में डाल के थोड़ा पीस लेना उसको, मेरे को चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं हाथ से ज करी हो। ये देखिए पूरा इतना पानी निकल गया देखिए। तो अब मैं इसको हाथ से ऐसा मुट्ठी दे के निकाल रही हूँ देखिए, पानी ऐसा मुट्ठी दे के निकाले ना तो अच्छा निकलता। तो अपने रोल अपन रखे ना तो 10 दिन भी रखे तो रोल नहीं ख़राब होते, अपन रोज़ 2-2, 3-3 निकाल के भी तल ले सकते। तो अपन ऐसा तरीक़े से करें ना तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छे भी होते और बोले तो बहुत दिन भी रहते देखिए रख के अगर अपन खाए तो। ये देखिए अब मैं इसको तरकारी को और चिकन को ऐसा लग करके ऐसा 2 कटोरों में डाल के रखी देखिए। तो आपको मैं अब बताती हूँ, मैं इसमें अब लाई बना रही हूँ देखिए। मैं चाय के चमचे से 3 चमचे मैं ली इसमें, बड़के भी होती उतनी लगती भी नहीं है देखिए। लाई को अब मैं चमचे से अच्छा मिला लेनी देखिए, लाई बनाना तो हर किसी को आता तो ये हिसाब से बना रही हूँ मैं। तो लाई लुंडे लुंडे नहीं रहना देखिए, तो ऐसा अच्छा मिला लेना उसको। तो अब मैं ऐसा है देखिए, तरकारी देखिए कितनी रुखी रुखी और बोले तो मैं पानी भी निकाली पूरा उसको अच्छा करी देखिए। तो अब ये 20 से 25 दिन भी रहते देखिए रोल, अगर अपन फ्रिज में रखे अपने को अपनी फैमिली के हिसाब से 2-3-4 कितने भी तले, 6-7-8 ऐसा अचानक कौन रोज़ा खोलने में आते, जब का जब तल ले सकते देखिए अपन।
अब ये शीट है देखिए, शीट को मैं ऐसा पूरा निकाल ली ऐसा, तो ये शीट अपन आटा भिगा के भी देखिए आटे के ऊपर भी रख सकते, शीट का वो कवर रहता ना तो बहुत अच्छा रहता। तो ऐसा हाथ में पकड़ के ऐसा निकाल लेना, देखिए अगर अपन जल्दी गुस्से से निकाले ना तो पूरा वो शीट ख़राब भी होती, कट जाती शीट, और बोले तो पूरा अलग अलग हो जाती। तो मैं ये देखिए आधा इसमें चिकन डाल रही हूँ, आधी तरकारी डाल रही हूँ। देखिए एक चमचा तरकारी बोले तो एक चमचा चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसा मोड़ लेना, देखिए दो तरफ से रोल को, ये देखिए ये इधर से लेना, ये इधर से लेना, ऐसा दो तरफ से लेके भी इसको लई लगा लेना। देखिए ये रोल तो आसानी से बना सकते, बहुत जनों को बहुत नहीं आता, तो अपन देखे ना तो देखे तो आ जाता है। देखिए मैं कितनी आसानी से बना के बता रही हूँ, देखिए अभी देखिए ये देखिए होगा, देखिए देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बन के होगा। देखिए पूरा मैं बना ली, देखिए तो अब मैं इसको डब्बे में रखती हूँ। देखिए मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं तल लेती हूँ इसमें, अपने को मैं 6-7 ऐसा तल लेती हूँ। देखिए जितना भी ज़रूरत, 2 दिन को 3 दिन को ऐसा अपने को जब जब खाना बोले ना वो हिसाब से तल ले सकते अपन। तो पूरा मैं डब्बे में रखी, देखिए डब्बे में रख के मैं पूरा इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रख के अपने हिसाब से तल लेते जाते, देखिए 4-5 कितने भी अपने हिसाब में अपने को कितने ज़रूरत है ना वो हिसाब से तल ले सकते हैं। तो मैं आपको तल के बताती हूँ, आपको लोगों को इतने मज़े के और इतने टेस्ट और इतने अच्छे रहते। देखिए ये रोल बहुत मज़े के रहते। तो अभी देखिए तेल डाल रही हूँ मैं, रोल डूबे से उतना तेल डालना। देखिए ये तेल अपन सालनों में भी यूज़ कर सकते हैं, अपन जब का जब रोल तलते जाने को अपन सालनों में ले सकते, फिर तेल वो को से भी चीज़ों में अपन तलने के वास्तव ले सकते। देखिए तो तेल को अच्छा गर्म होने देना, देखिए धीमे पे नहीं रखना, तेज़ पे रखना, तेज़ पे अच्छा तेल गर्म होकर बाद मीडियम पे रखना। देखिए तो पूरा गर्म गर्म में भी डाले ना तो जल जाते और बोले तो कच्चे रहते अंदर से भी अपने को ऊपर से भी। तो मैं तेल अच्छा गर्म होने दी, देखिए गर्म होने देखिए मीडियम कर दी पूरा, बीच में करी ना उसको पूरा कम करी तो बीच में रहता, देखिए वो हिसाब से करी देखिए मैं उसको। तो देखिए तल्ली, देखिए पूरा तल्ले के उसको देखिए कलर देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मस्त है, जैसा ये दिख रहे ना तो खाने में भी उतने अच्छा है। देखिए मैं 3-3 करके तल रही हूँ, देखिए कढ़ाई के हिसाब से अपन 4 डालने जाओ उसमें तेल भी उछलता और जल्दी भी नहीं होते। तो मैं 3-3 करके तल्ली, देखिए तल के निकाल लिए, देखिए होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।